अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक ज़बरदस्त खबर आई है और वो खबर ये है कि तुर्की पाकिस्तान को जदीद तरीन 4 जहाज़ बेटी जहाज़ जो फराहम करेगा। खबरों के मुताबिक तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान बाकायदा एक मुआहदा हुआ है 5 जुलाई को, जिसके मुताबिक पाकिस्तान को तुर्की जो है 4 जहाज़ बना के देगा। और इसमें सबसे बड़ी बात, मज़े की बात ये है कि ये विद ट्रांसफ़र ऑफ कंप्लीट टेक्नोलॉजी है, विद ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी ये मुआहदा है। सबसे पहले ये 2 जहाज़ जो है ये तुर्की में बनेंगे और इसके बाद बाकी 2 जहाज़ जो है पाकिस्तान में बनेंगे। तुर्की और पाकिस्तान की टीम इकट्ठे इंजीनियर्स और साइंसदान मिल के जो है इसको बनाएंगे। नेवी के ज़राए से वाकई में पूछे कि इस अखबार के मुताबिक कि आया इस पर कौन सी टेक्नोलॉजी, एयर डिफेंस सिस्टम और टेक्नोलॉजी कौन सी लगाई जाएगी, तो नेवी के रिप्रेजेंटेटिव या ऑफिसर हम कह सकते हैं उन्होंने इसको सरज़ में रखना पसंद किया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दोस्तों आपको पता है कि ताल्लुकात भी इतने अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की कोशिश ये होगी कि इसमें जो है अपने लोकली इंडिजिनसली डिवेलप्ड जो है मिज़ाइल इसमें लगा लें, या चाइना की मदद से जो है इसमें सैम मिज़ाइल सर्विस मिज़ाइल लगा लें। एंटी शिप मिज़ाइल के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि इसमें पाकिस्तान के अभी जो उन्होंने बनाए हैं लेटेस्ट जो टेस्ट हुए हैं जो मिज़ाइल हार्मा मिज़ाइल वो इसमें लगाएंगे। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है सैम सर्विस टू एयर मिज़ाइल्स हो गए और सोनार जदीद तरीन ये जो है पाकिस्तान चाइना की मदद से लगाएगा। ख्याल किया जाता है कि इससे पाकिस्तान को काफ़ी बचत होगी और पाकिस्तान की इकानमी पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और ये तारीख में पहली दफ़ा होगी कि पाकिस्तान में लोग के लिए जो है इंडिजनसली अपने फ्रिगेट्स डिवेलप करें। ऑस्ट्रेलिया के एक मिलिट्री अटाची जो यहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी में हुआ करते थे और जो एक बहुत बड़े राइटर और आर्टर भी है, उनके मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है और ख़ासकर ट्रंप की मौजूदगी की वजह से तो ये हालात रोज़ बरोज़ जो है वो बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की कोशिश ये होगी कि वो अपने मिज़ाइल ही इस पर लगा लें और अपना एयर डिफेंस सिस्टम या चाइना की मदद से उनकी प्रेफरेंस ये होगी, क्योंकि तैयारी किया जाता है अगर अमेरिका से हम सिस्टम ले भी तो उसमें मसला ये होगा कि पहले माजी में भी इसी तरह हुए हैं और हाल में भी यही हाल है और मुस्तकबिल में ये पॉसिबिलिटी है कि अगर अमेरिका से ये एयर डिफेंस सिस्टम जदीद तरीन जो है ना जो टेक्नोलॉजी वो ले लें और इसमें लगाए वो सिस्टम, तो ख्याल ये किया जाता है कि फ्यूचर में इसके स्पेयर पार्ट्स और इसकी इग्निशन वो अमेरिका सप्लाई करना बंद कर देगा। इसलिए पाकिस्तान प्रेफर करेगा अपनी टेक्नोलॉजी को और चाइना की मदद से स्पेशली। तो दोस्तों ये एक बहुत ज़बरदस्त खबर है, ख़ासकर पाकिस्तान नेवी के लिए और ख़ासकर पूरी कौम के लिए कि पाकिस्तान लोकली जो है ना वो अपने बेरी जहाज भी बनाएगा और पाकिस्तान जो है ना वो इंडिपेंडेंट होता जा रहा है और उनकी डिपेंडेंसी अमेरिका और वेस्टर्न अलाइंस के जो है वो कम होती जा रही है। तो दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़। आज की ये खबर थी, मैंने सोचा कि इस पर थोड़ी सी बात कर लूँ, उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आई होगी। अगर हार्मा मिज़ाइल के बारे में आपको कुछ मालूम है तो वो भी इस चैनल पे मौजूद है और आप उसको देख सकते हैं।